सो हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम इंग्लिश टाइपिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें आज हमारा जो डे है वो डे 5 है। इसके पहले हमने होम रो और आपकी अपर रो को कवर कर लिया है। ओके, हमने क्या कवर किया है? हमने होम रो कवर किया है और अपर रो कवर किया है प्रॉपरली। हमने एक्सरसाइजेस भी दी थी आपको कुछ करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपने उन एक्सरसाइजेस को प्रॉपरली प्रैक्टिस करा होगा। तो आज जो हम डे 5 के अंदर करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज हम प्रॉपरली डे 5 के अंदर करने वाले हैं, वो है होम रो और अपर रो की जो कीज़ है उनके मिक्स वर्ड्स की। ओके, ताकि जो आपकी टाइपिंग हो वो धीरे धीरे लेवल इसलिए इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि जो है आपकी टाइपिंग और अच्छी होती चली जाए। ओके, तो देखते हैं क्या वो वर्ड्स हैं जिन्हें हमें टाइप करना है। आपकी स्क्रीन पर प्रॉपरली वो वर्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, तो एक बार मैं उसको पढ़ के बता देती हूँ कि वो वर्ड्स क्या क्या हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, लेकिन हमें मीनिंग से इस टाइम मतलब नहीं है। हमें मतलब इस चीज़ से है कि हमें हमारी टाइपिंग स्पीड सही करनी है। ओके, इससे ज़्यादा हमें जो है जो वर्ड्स रिटन है, अभी आप पूछने लगे मैम इस वर्ड की मीनिंग क्या है, तो मैम फिर बता ही ना पाए ना कि मीनिंग क्या है। ऐसा नहीं है, आपको मीनिंग नहीं ढूंढनी है, आपको वर्ड्स ढूंढना है और वर्ड्स के साथ टाइपिंग करनी है, वर्ड्स को प्रॉपर टाइप करना और एक्सरसाइज करना। और ये जो आपको वर्ड्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, लगभग आप 15 से 20 बार इसको टाइप करेंगे एक एक, मतलब अगर जो है आपका एक लाइन है उसको 15 से 20 बार अगर आप टाइप करते हैं, तो आपकी जो कमांड है, आपके हाथों का जो कमांड है फिंगर्स का, वो होम रो की पर और अपर रो की पर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आप बैठ जाएगा, जिसको कहते हैं हाथ बैठना ना इन हिंदी, वही चीज़ पर हो जाएगी। ओके, तो वर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या है, और मैंने बता दिया है कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। लास्ट चीज़ जो है वो वर्ड्स देखना है हमें। ठीक है, तो हम वो वर्ड्स प्रॉपरली देख लेते हैं। पहला है किड, रेड, देन है आपका सेमी कॉलन, फिर है डिड, रिड, फेड, रिफ, किडर, अडर, रडर, सर, आयरी, आइड, फ्यूज, ड्रिल, ड्रिल, फाइल, साइड, फिर है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल है वो, इन्वर्टेड कॉमा बंद नहीं किया गया है। ठीक है, लेस, जर्क, जर्क, डिस्क, डिस्क, आस्क, आर्क, लेट, रीड्स, फेयर, स्लाइडर, शेक, शेड, गैट, शेयर्स, फिर है सेमी कॉलन, देन है स्किट्स, हैश्ड, हैगल, फिर जो है आपके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है सेक्शंस। ओके, ये पूरे जो वर्ड्स हैं ये होम रो की के हैं और अपर रो की से मिलकर के बने हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस आप कीजिएगा और हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।